ताजमहल का दक्षिणी गेट आम पर्यटकों के प्रवेश के लिए बंद हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल की सुरक्षा पर खतरे के मद्देनजर दक्षिणी गेट से 25 फरवरी से प्रवेश बंद करने की सूचना जारी कर दी है। सरकार के आदेश के बाद पुरातत्व विभाग ने गेट बंद करवा रही है। आपको बता दें कि रविवार से इस गेट के जरिए पर्यटक केवल बाहर निकल सकेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की मुहर के बाद संस्कृति मंत्रालय के आदेश पर एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर भुवन विक्रम ने ताजमहल दक्षिणी गेट को बंद करने की सूचना शुक्रवार को जारी कर दी है। उन्होंने जो नोटिस जारी किया उसमें कहा गया है कि ताजमहल की सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के सुझाव पर दक्षिणी गेट से 25 फरवरी से प्रवेश बंद किया जा रहा है। यह गेट केवल पर्यटकों के निकास के लिए प्रयुक्त होगा। इस आदेश के बाद सीआईएसएफ इस गेट पर पर्यटकों की सुरक्षा जांच के लिए लगाए गए डीएफएमडी हटा लेगा। दक्षिणी गेट पर पर्यटकों की सुरक्षा जांच में जो जवान थे उन्हें अब पूर्वी और पश्चिमी गेट पर अतिरिक्त डीएफएमडी के साथ तैनात किया जाएगा। वहीं इस दौरान साउथ गेट पर व्यवसाय कर रहे लोगों ने गेट बंद का जमकर विरोध किया। सरकार पर रोजगार छीनने के आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ रोजगार बढ़ाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर ये भेदभाव कर रही है। वहीं एसीएम चतुर्थ ने कहा है कि उन्होंने जिलाधिकारी के नाम से ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि उनको ज्ञापन सौंपा जा चुका है। प्रदर्शन ये कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत परेशानी पैदा हो गई है। यहाँ के लोगों के लिए जो गेट बंद कर दिया, इनकी रोटी रोजी चली गई है। ये रोटी रोजी से परेशान है। छोटे छोटे दुकानदार भी है, बड़े बड़े दुकानदार भी है, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, टैक्सी वाले भी है, ऑटो रिक्शे वाले भी हैं, सब प्रभावित हो रहे हैं। तकरीबन टोटल हमारे यहाँ के इस क्षेत्र के लोग कम से कम 15-16 हजार लोग प्रभावित होंगे, उनकी रोटी रोजी छिन जाएगी, बर्बाद होंगे। ये हमारी मांग है, इस गेट को बंद नहीं किया जाए, इसको खोला जाए और टाइम टू टाइम खोला जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोटी रोजी मिल सके, इनके हाथ में कटोरा नहीं आ जाए। ये हमारी मांग है और ये मांग हमारी मालिक चाहे तो पूरी होगी। ये नहीं चाहेंगे तो ऊपर वाला सुनेगा गरीबों की, और गरीबों की लाठी बे आवाज होती है, ये सब जानते हैं। इनकी डिमांड जो है, जो इन्होंने दिया है ज्ञापन, वो हम जिलाधिकारी महोदय के थ्रू प्रेषित कर देंगे। उस पर ये ऑल ऑफ अ सडन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये गेट बंद किया गया है, उसी के संबंध में इन्होंने हमें ज्ञापन दिया। अभी तो इन्होंने हमें ज्ञापन दिया है क्योंकि डिसीजन हायर अथॉरिटीज को ही लेना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर की तरफ से पत्र जाएगा। किस बात को लेकर आपने सोचा? देखिए, बात तो कुछ नहीं है। इस गेट के संग हमेशा सौतेला बर्ताव किया जा रहा है और किया जाता था। आज उन्होंने अपने दिल की हसरत पूरी कर ली। वो ये चाहते थे अल्पसंख्यक के जितने भी लोग हैं ये भूखे मर जाएं। कम से कम 16-17 हजार हम लोग यहाँ पर हैं, 60-70 हमारी दुकानें हैं। हमारे ताजमहल ये साउथ गेट से जुड़े हुए कटरा मरखा, कटरा रेल चौक, काकदियान चौक, थाना, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, कुत्ता पार्क, ये सब इस गेट बंद होने से प्रभावित हो रहे हैं। आज से एक महीने पहले हम लोग गए थे, हम मिनिस्टर साहब से मिल के आए थे और यहाँ के आगरे के एमपी साहब ने, माननीय एमपी साहब ने लिख के दिया था, ये अल्पसंख्यक लोगों के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, इन लोगों का ये गेट बंद नहीं होना चाहिए, इसे खुला नहीं चाहिए, इनको रोटी रोजी का सवाल है। फिर भी हमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ये गेट बंद नहीं होगा। ये एक महीने पहले की बात थी, नहीं हुआ। 20 तारीख थी 20 को बंद कर, नहीं हुआ। अब उन्होंने हमें धोखा दे के इस गेट को रात ही रात के अंदर उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ उन्होंने गेट बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस गेट के बंद होने से एंट्री नहीं होगी, निकासी होगी। हम उस बात को ही मानते हैं, निकासी होगी। क्यों होगी निकासी? अगर निकासी कर रहे हो तो वेस्टर्न गेट ईस्टर्न गेट से एंट्री करो और टोटल निकासी साउथ गेट से करो। वेस्टर्न गेट ईस्टर्न गेट जो सुबह 6 से लेकर 7 तक खुलता है, ये भी क्विक इसी टाइम खुलना चाहिए, निकासी के लिए भी खुलना चाहिए। आज उन्होंने बंद करके इन लोगों को भूख के साथ। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट।